गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर चार स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट्स, चैप्टर चार का नाम है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या है? पिछले चैप्टर में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। मैट्रिसेस की क्या वैल्यू आएगी, वो मैट्रिसेस की वैल्यू निकालने की जो विधि है, जो मैट्रिसेस की वैल्यू जिस विधि से निकाली जाएगी उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो टू एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी उसी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम डिटरमिनेंट से। स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कैन बी एसोसिएटेड ए नंबर, कोई भी हमको नंबर मिले, रियल नंबर मिले या कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो यहां एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, या तो डिटरमिनेंट को हम लिख दें डिटरमिनेंट ऑफ ए, किस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर दोनों तरफ ये दो मॉडुलस जैसे सिंबल लगा करके हम इसको लिखेंगे। लेकिन ये मॉडुलस नहीं पढ़ना, इसको हमने डिटरमिनेंट पढ़ना। जब भी ये सिंबल के बीच में कोई कैपिटल लेटर लिखा हो, कैपिटल अल्फाबेट लिखा हो, तो हमने इसको डिटरमिनेंट ही पढ़ना है। तो ये मैट्रिसेस की वैल्यू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी सी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको सोल्व कैसे करेंगे, वो सोल्व करने का तरीका हम यहाँ सीखेंगे आज। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, वन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, जैसे वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट ही जो एलिमेंट उसके अंदर है वही उसका डिटरमिनेंट होगा। टू क्रॉस टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैट्रिक्स का ये जो ब्रैकेट वाला निशान है इसको की बजाय हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इस तरीके से, या इस डेल्टा के तरीके से। हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है, यहाँ से स्टार्ट करना हर बार, इसकी क्रॉस इसके साथ और फिर इसकी क्रॉस इसके साथ। बीच में पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, फिर बीच में हमेशा ही माइनस का सिंबल आएगा, फिर इसके साथ ये मैट्रिक्स। अगर इनमें इनमें से कोई नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव को चेक करना, फिर हमने इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर के वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है टू क्रॉस टू फोर, टू इंटू टू फोर माइनस, फिर फोर की मल्टीप्लाई माइनस वन से, तो ये एट हो गया इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू। ऐसे ही एग्जांपल टू में आप देख सकते हो एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, बीच में एक माइनस का सिंबल लगा दिया। तो इन पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लो अब, तो ये हो करके आएगी। अब ये माइनस इसको नेगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये दोनों कैंसिल, ये वन हो गया। अब थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने के लिए, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम इसको बोलते हैं एक्सपेंशन करना, एक्सपेंडिंग अलोंग। हम रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लो फर्स्ट रो के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। कि थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की जब भी मैट्रिक्स दे रखी हो, या उसका थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल सोल्व करना, दो कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने की बात आई पहले, तो इस एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाते हैं फर्स्ट रो के अलोंग कैसे एक्सपेंड करें। जैसे फर्स्ट रो में ये एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, तो क्या करना है, इसमें फर्स्ट रो में जो एलिमेंट हैं उनको हमने लिखना, पहले लिख लिया टू, टू फर्स्ट रो को छोड़ दो, और जो जिस कॉलम में टू है उस कॉलम को छोड़ करके जो भी बचेगा वो हमने लिखने, ये चार बच्चे, तो ये डिटरमिनेंट के रूप में हमने यहाँ लिख दिए। फिर हमने एक सिंबल लगाना माइनस, फिर ये बीच वाला सिंबल उठाना फर्स्ट रो का ही, और फिर फर्स्ट रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है माइनस थ्री उसको छोड़ना है इसको, तो जो बचेंगे ये बचा, ये बचा, ये और ये, तो ऐसे के ऐसे डिटरमिनेंट में इनको लिख दिया जाएगा। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो में ये थर्ड एलिमेंट है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हुए छोड़ दिए जाएंगे, और फर्स्ट रो को छोड़ करके
जो बचा वो लिखा जाएगा, वो लिख दिया। अब इनको सोल्व करना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ बीच में माइनस का सिंबल, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ बीच में माइनस का सिंबल लगाना है, ऐसा ही ये। तो जो सोल्व होकर के आया वो हमने यहाँ पर लिखा। तो ये फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना था। तो 3x3 ऑर्डर के जो भी डिटरमिनेंट होंगे उनको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें, या सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करें, या थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करें, या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, या सेकंड कॉलम के एक्सपेंड करें अलोंग एक्सपेंड करें, या थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, सबसे आंसर सेम ही आएगा। तो पहले हम कुछ ये सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं 4.1 के। 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके वैल्यू निकालो। ये एक डिटरमिनेंट दिया है, डिटरमिनेंट को सोल्व करके इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया था, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पहले इसकी इसके साथ हो जाएगी, फिर बीच में माइनस का सिंबल, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होकर के जो वैल्यू आएगी वो हमने लिखनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। हमेशा ये ध्यान रखना पहले इसी तरफ से स्टार्ट करना है, फिर इस तरफ से ये, पहले ये, फिर ये। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट कर दें हम इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, कॉस स्क्वायर एक बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, साइन माइनस साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो गई 1। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट सेम टू सेम, क्योंकि ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो इसमें भी इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने पर ये वैल्यू आई और ये आई हमारे पास। अब इनकी मल्टीप्लाई आपस में करवा लो, पहले इन दोनों की आपस में करवा लो, फिर इन दोनों की आपस में करवा लेंगे। तो जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दी, जो बच गया वो ये आया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए। अब कहता है ये प्रूव करो कि मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिटरमिनेंट निकाल लो, या फिर ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। तो ए मैट्रिक्स थी, हमने इस ए मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब 2a का डिटरमिनेंट हमने निकाला, 2a का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। हमने इसको सोल्व किया, पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गया -24। राइट हैंड साइड पर क्या कहा था, 4 से मल्टीप्लाई करो a डिटरमिनेंट को, तो a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे 4 × a डिटरमिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करने पर ये आ गया 4 से -6 आएगा, -6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे -24। तो ये दोनों सेम टू सेम हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन में कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम बात कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट है ए, सॉरी मैट्रिक्स है ए, 3x3 ऑर्डर की है। कहता उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हम ये हो जाएगा हमारे पास 27 × a के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के इक्वल। 3 से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकाले, डिटरमिनेंट निकाले, या 27 से ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। तो एक मैट्रिक्स ये थी, ये दूसरी मैट्रिक्स है, सॉरी इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ये चाहिए था हमें, लेफ्ट हैंड साइड पर 3a का डिटरमिनेंट, तो 3a ये है, इसका डिटरमिनेंट हम सोल्व करेंगे। रो 1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करवा रहा हूँ, रो 1 के अलोंग। तो रो 1 में जो भी एलिमेंट्स थे इसके, रो 1 में देखो, रो 1 में था 3, 0, 3, ठीक है। तो रो 1 में 3, 0, 3, तो हमने लिख लिया, पहले लिख लिया 3, फिर -0, फिर +3। किस तरीके से लिखना है देखो, एक्सपेंड करते टाइम ये ध्यान रखना, अगर आप रो 1 में एक्सपेंड कर रहे हो तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट के लोग एक्सपेंड कर रहे हो तो ये सिंबल लगाने आपको ±+। सेकंड रो के कर रहे हो तो -±। थर्ड रो में कर रहे हो तो +±। ऐसे ही
फर्स्ट रो में कर, फर्स्ट कॉलम में करें तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड कॉलम में माइनस प्लस माइनस, थर्ड कॉलम में प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको। तो थ्री, क्योंकि इसमें थ्री इनके ये तीनों के तीनों थ्री जीरो थ्री प्लस हैं, तो इसलिए इनका कोई निशान चेंज नहीं करना, सेम टू सेम लिखे जाएंगे। प्लस का थ्री, फिर माइनस का जीरो, फिर प्लस का थ्री। इसमें फर्स्ट रो में क्या लोगे, हमने एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो को तो हमने हमेशा ही छोड़नी है, हमेशा ही इसको हटा करके लिखना है। अब फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले पार्ट छोड़ दें, बाकी जो बचेगा वो लिखना है, वो लिख दिया हमने। फिर फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट के नीचे वाले पार्ट छोड़ दें, जो बच गया वो लिखना, हमने वही लिखा है। अब ऐसे ही फर्स्ट रो में थर्ड को, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट है वे छोड़ दें, और जो बच गया वो लिखना, ये बचेगा तो ये बचा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सोल्व किया हमने, 12 की 3 से मल्टीप्लाई करवाई 36, तो सोल्व करते करते ये आ गया हमारे पास 108। अब राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर बोला है कि 27 की ए से, ए डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करवानी है, तो ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट वो 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए डिटरमिनेंट की 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो रो वन में ही के अलोंग ही मैंने इसमें भी एक्सपेंड किया है, आप चाहे तो किसी दूसरे के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो 27 बाहर है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के तो सभी एलिमेंट हमने छोड़ने ही है, तो फर्स्ट पहला ये वाला एलिमेंट लिखा और इसके इसके नीचे फर्स्ट कॉलम के भी छोड़ दी, क्योंकि ये तो छोड़ना ही है, ये जिस कॉलम में वो भी छोड़ दे। तो इसी तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया, 1204 माइनस, फिर जीरो, फिर ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए जो बच गए 24, फिर ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए, ये वाला एलिमेंट्स छोड़, ये आगे लिखा एलिमेंट 1, और ये रो छोड़ दी जाए, ये कॉलम छोड़ दिया जाएगा, जो बाकी बच गया वो लिखा। सोल्व करने पर ये वैल्यू आएगी, 27 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 की, तो 108 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव इक्वल होगी, ये हमने प्रूव करना था। अब फिफ्थ क्वेश्चन में, इसके फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है ये डिटरमिनेंट दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी तरीके से फाइंड करके दिखाई हुई है, एक एक सवाल में। इससे पहले इस क्वेश्चन में हमने रो वन के अलोंग एक्सपेंड किया, इस क्वेश्चन में हम कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ये हमारे पास डिटरमिनेंट दिया हुआ, इसको सोल्व करना है। कॉलम वन में, कॉलम वन के ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो थ्री जीरो थ्री, बताया था इस कॉलम में जब चलोगे तो प्लस माइनस प्लस आपने करना है, तो प्लस का माइनस का प्लस का। तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, तो इसके आमने सामने के ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट छोड़ करके जो बाकी बच गए वो लिखने होते हैं, तो वो लिख दिए। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, इसके आमने सामने ऊपर नीचे के जो बच गए वो लिख दें, ये लिख देंगे हम। थर्ड कॉलम, इसी फर्स्ट कॉलम में ही ये तीसरा एलिमेंट है, इसके आमने सामने और ऊपर नीचे के जो एलिमेंट है वो छोड़ दिए जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो लिख दिए जाएंगे, ये एलिमेंट्स हमने लिखे इसके अंदर। अब इसको सोल्व कर लिया है, सोल्व करके जो आया वो एलिमेंट हमने, जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ पर लिख दी, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। पांचवें का दूसरा पार्ट, पांचवें के दूसरे पार्ट में हमने इसकी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी मैंने एक्सपेंड किया है
रो टू के अलोंग, अब की बार रो टू के अलोंग एक्सपेंड किया, रो टू में ये एलिमेंट रो टू में, तो रो टू में ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको सबसे पहले तो ये चेक करना है इसको हमने किस तरीके से लिखना है, प्लस माइनस प्लस वाली फॉर्म में कैसे हमने इसको लिखना है। तो देखो ये बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सेकंड रो में है तो माइनस प्लस माइनस ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के आगे लिख दिया माइनस, इसके आगे लिखना है अपने प्लस, और इसके आगे लिखना है माइनस। अब इस एलिमेंट के आगे पीछे और ऊपर नीचे के एलिमेंट छोड़ करके जो जो एलिमेंट बच गए, ये बचा, ये और ये, वो यहाँ डिटरमिनेंट में लिख दिए। फिर ऐसे इस एलिमेंट में ऊपर नीचे आगे पीछे के एलिमेंट को छोड़ करके एक ये है, ये है, तो ये एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही इस इसके आगे पीछे और ऊपर नीचे के छोड़ करके जो भी बचेंगे ये और ये, तो ये यहाँ पर लिखे गए। और इसको सोल्व करेंगे अभी हम, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, फिर ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस का सिंबल ज़रूर लगाना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये था सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। ऐसा ही थर्ड पार्ट में ये डिटरमिनेंट दिया था, थर्ड पार्ट में जो डिटरमिनेंट दिया है उसको हमने कॉलम टू के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाया है। कॉलम टू में ये एलिमेंट्स हैं हमारे पार्ट्स, इसमें कॉलम टू में भी हमने माइनस प्लस माइनस करके लिखना है, तो माइनस प्लस माइनस करके लिख लिया। फिर इस एलिमेंट के आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट वे छोड़ करके ये बचा, ये और ये यहाँ पर लिखे गए। ऐसे ही इसको छोड़, इस एलिमेंट के ऊपर नीचे आगे पीछे जितने भी एलिमेंट वो छोड़ करके ये बचे थे, ये सारे लिखे हमने यहाँ। फिर इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट वे सब छोड़ दिए जाएंगे, सॉरी इसके नहीं, इसके भी आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वे छोड़ दिए जाएंगे, तो ये और ये हमने यहाँ पर लिखने हैं। फिर इसको सोल्व करना है, सोल्व करने पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फोर्थ पार्ट, पांचवें का फोर्थ पार्ट, इसमें डिटरमिनेंट दिया है हमें, इसको हमने सोल्व किया रो थर्ड के अलोंग, हमने इसको एक्सपेंड किया थर्ड रो में सेम ऐसा ही प्लस माइनस प्लस करके हमने चलना है, प्लस माइनस प्लस। तो ये एलिमेंट सॉरी ये रो के जितने भी एलिमेंट हैं प्लस, फिर माइनस सिंबल, फिर प्लस, प्लस माइनस ये लिख लिया हमने। अब इस एलिमेंट के ऊपर नीचे और आगे पीछे के एलिमेंटों को छोड़ दिया, जो बचा वो हमने यहाँ लिखा। ऐसे ही इस एलिमेंट के ऊपर नीचे और आगे पीछे के छोड़ के रखे, ये आएंगे हमारे पास, ये हमने यहाँ पर लिखे। ऐसे ही इस एलिमेंट के ऊपर नीचे और आगे पीछे के छोड़ करके जो बचे ये हमने यहाँ लिखे हैं, इनको सोल्व कर लिया, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने सोल्व करना है। तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स से हमने डिटरमिनेंट में लिखा इसको, मैट्रिक्स से हमने लिखा इसको डिटरमिनेंट में। अब मैं थर्ड कॉलम क्या लूँ, इसको एक्सपेंड करा रहा हूँ। थर्ड कॉलम ये है थर्ड कॉलम, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं थर्ड कॉलम में प्लस माइनस प्लस वाला रूल फॉलो करना है। तो ये प्लस का मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही लिखें, माइनस का मतलब है जो जैसा है उसका निशान बदल करके लिखें। तो ये लिख दिया, इसका निशान बदल ही हो जाएगा आगे, फिर ये यूं इसके आगे पीछे ऊपर नीचे के एलिमेंट छोड़ दें तो ये लिखा जाएगा, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे के एलिमेंट छोड़ दें तो ये और ये आएंगे, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे के निशान छोड़ दिए जाएं तो
ये एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। इनको सोल्व करने पर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अब ऐसा ही इसका सातवें प्रश्न में कहता है ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि सेम टू सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वल बना दो। यहाँ लग रहा होगा कि ये फोर है तो फोर इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे करना है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे और ऐसे ही इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, जो वैल्यू आई, उनको हम आगे सोल्व कर रहे हैं। वहाँ से बचा था -18 -18 और ये एक्स वाली टर्म एक तरफ बिना एक्स वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर 6/2 यानी कि 3। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±√3। अब ऐसे ही सेवन्थ का सेकंड पार्ट, इसको भी हमने सोल्व करके ऐसे ही इसका डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लिया, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ गई 2। एट्थ क्वेश्चन में देख सकते हो ये जो चीज़ है ये और ये सेम है इसमें भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू 6 ही हो जाएगी। ऑप्शन में 6 जरूर दिया है लेकिन ±6 भी दिया है साथ में। तो आपने एक्स की इसको सोल्व किया, एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वेयर और 36, ऐसे इधर से 36 36, ये जीरो हो गया। 36 को दूसरी तरफ भेज दिया, प्लस का हो जाएगा, स्क्वेयर हटाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाए प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू ±6। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है, बाकी हम कल करते हैं अगला पार्ट इसका।